प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से प्रेरित होकर बलिया के सहतवार थाना क्षेत्र स्थित छितौनी गांव में चार युवाओं ने साफ सफाई का जो अभियान छेड़ा, आज उससे 300 लोग जुड़ चुके हैं। समिति के सदस्य मनोज दुबे के मुताबिक इस स्वच्छता अभियान के तहत उनकी कोशिश अब छितौनी गांव को स्वच्छता के मापदंड में सर्वश्रेष्ठ पायदान पर लाने की है। संस्था से जुड़े सभी सदस्यों की पहचान नीले रंग की जर्सी से होती है। देखिए, मेरे गांव में एक शिवरात्रि का मेला लगा था और शिवरात्रि के मेले में कुछ लोग आए थे जो यहाँ की गंदगी पे थोड़ा सवाल उठा रहे थे। हम लोग को लगा कि नहीं, हम लोग इस मिथक को तोड़ेंगे और अगली जो शिवरात्रि आएगी उसमें अपने गांव को साफ सुथरा बना करके एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करेंगे। गांव में स्थित चितेश्वर नाथ महादेव मंदिर के तालाब की सफाई के साथ स्वच्छता का ये अभियान शुरू हुआ था, लिहाजा स्वच्छता के लिए गठित समिति का नाम भी चितेश्वर नाथ स्वच्छता समिति रखा गया है। खास बात यह है कि इस टीम के सभी सदस्य जिले में नहीं रहते, लेकिन वो हर शनिवार गांव पहुंचते हैं और रविवार की सुबह 2 घंटे सफाई करने के बाद वापस लौट जाते हैं। हम लोग नए जोश और उड़ान के साथ यह संकल्पित होकर के करते हैं कि हमारा यह कार्य महात्मा गांधी जी के सपनों का भारत के अनुरूप होगा। समिति के सदस्य मनोज के मुताबिक जुलाई 2018 में छत्तीसगढ़ सरकार ने उनकी समिति को स्वच्छता समिति के अवार्ड से भी सम्मानित किया था। समिति का अगला लक्ष्य प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में स्वच्छता अभियान चलाने की है। नरेंद्र मिश्र, APN, बलिया।